ओए सोनी, भाभी किधर है? वो नहीं आ रही। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पे रेस्ट कर रही है। भाभी, भाभी आप भी ना। अरे जमीन पे क्यों बैठ गया? क्योंकि धरने पे बैठा हूँ। हाँ, किस लिए? क्योंकि घर का एक इम्पोर्टेंट मेंबर डॉली की शादी पे नहीं चल रहा, इसलिए। ओए कबीर, जिद ना कर, अब तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी। क्या है, आप पास में रहोगे क्या? वैसे तो सबको बोलती रहती हो, लिव इन द प्रेजेंट, मूव ऑन, वैसे आप क्यों नहीं फॉलो करती हो ये? पास में ना सिर्फ यादें होती हैं, खुशियां तो प्रेजेंट में होती हैं। क्यों भाभी? बाप रे, दुनिया की नजरों में तो जोकर बना रहता है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। देख, ऐसी 100-100 किलो की बातें मत किया कर। मैं नहीं चाहती कि मेरा नॉटी कबीर कहीं गुम हो जाए। नहीं चाहती ना? तो फिर आपको डॉली की शादी में आना ही होगा। कबीर, मुझे कुछ नहीं सुनना। ए चैंप, अपनी मम्मा को बोलना कि डॉली चाचू को छोड़ कर जा रही है। कोई तो होना चाहिए ना चाचू को कंसोल करने के लिए। एक तेरी मम्मी तो है जिसके कंधे पे मैं सुबह सुबह कर रो सकता हूँ। चल हट नौटंकी, तू रोएगा, तू तो सबको रुलाएगा। चलो ना। चल ठीक है, चलती हूँ, लेकिन उधर तेरी कोई शरारत नहीं चाहिए वरना मैं। अच्छा ठीक है, आप चलो तो सही, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर करना ही होता तो मनाली बैठा होता ना डॉली के साथ। हैं क्या मतलब तू? कबीर, ये सुखबीर से कुछ लड़की वाले कब से बन गए? मैं देखता हूँ, एक मिनट मैं पता करता हूँ। भौजी की फेंक कर दे, हम लड़के वालों की तरफ से नहीं, लड़की वालों की तरफ से। निकल निकल दिए, मम्मी बुला रही। चलो चलो, अरे क्या हो गया भाई, इससे कीड़े मरते हैं बंदा नहीं मरता। मम्मी जी, अंगद कितने है? मैं देखती हूँ। हाँ। वो मेरा नहीं आई अब तक, अन्नू ही लेने गया होगा। पियो, और तो गई यार, किसी को फिक्र ही नहीं है। निम्बो जाके रोक बुढ़ो को, नाक में दम कर रखा है भारतीयों के। कर लेने दीजिए मम्मी जी। माँ भाई मीरा से फोन पे बात कर रहे, और मीरा नहीं आ पाएगी। क्या सोनी आई? मीरा आ जानी शादी में तो कितना चंगा हो जाता मम्मी जी। मेरी दोनों बहुएं शामिल नहीं हो रही है शादी में। ओए मेरी पुत्र आ गई। आ गए पुत्र जी। तुसी देखिए ना मम्मी जी, कबीर जबरदस्ती ले आया है मुझे यहाँ पर। अपने भतीजे को पहली शादी अटेंड कराने लेकर आया हूँ, वो भी तो देखे कि डॉली उसकी सगी चाची होते थे कैसे रह गई। खबरदार, फिर कोई स्यापा ना करे। कोई स्यापा नहीं होगा भाभी, अब यहीं पर वेट करो। आपके लिए गर्मा गर्म चिकन टिक्का लेकर आया। अरे अच्छा, क्या पुत्र तो चली आई। सोनी आराम से, सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू। मीरा कहाँ है? वो नहीं आएंगी। क्यों? उसको ऑफिस में कुछ काम है। ओफो, आज ही काम आना था उसको। और अंगद? अरे वो अभी तक मीरा से बात कर रहे हैं वहाँ। अपना ध्यान रखियो डॉली। जी। डॉली सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पति और उनके परिवार वालों का भी ध्यान रखना। मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा पिता, पर क्या करे, बेटिया तो पराया तन होती है। डॉली ठीक से रहियो, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे याद कर लियो। चुप करना यार। क्या बोलता रहता है? बेटियां पर आयदन होती हैं, गर्लफ्रेंड नहीं, सब तमीज। अबे डॉली तेरी याद आएगी ना तो मिस कॉल करूंगा, नंबर मत चेंज करो ठीक है। डॉली बेटा चलो 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 घटी से बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डॉली बेटा चलो चलो और बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ओ दामाद जी संभाल के ले जाना डॉली को। क्या डॉली? हां ओए डॉली और कॉल करी वा। ऑल द बेस्ट। ओए सैमी ऑल द बेस्ट। कुरी भाई तू क्या कर रहा है? और कोई से दामाद जी क्या सोचे? अमृता पुत्र इधर
क्या कर रहे? ओए ड्राइवर साहब, सीती सीती गाड़ी निकालो। यहाँ क्यों बैठा है मुंह लटका के? एक तो मेरी दुनिया उजड़ गई है, डॉली हमेशा के लिए किसी दूसरे की हो गई है, और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ उदास भी नहीं रह सकता क्या? हाँ, पागल। ओए कमाल है भाभी, ये ब्यूटीफुल कौन है? हाँ, कितना बड़ा कमीना है तू। अभी अभी तो डॉली के लिए रो रहा था। वो तो किसी दूसरे की होगी ना अभी। रुक अभी। मम्मी जी, ये देखिए आपका लाला लड़का क्या कर रहा है। अब फिर क्या किया इसने? कुछ नहीं मम्मी, डॉली की याद में आंसू भी बहाने नहीं दे रही भाभी। ओए ओए, तुझे ठंड नहीं पड़ी डॉली की विदाई के समय वहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद भी? हैं, कितनी मुश्किल से संभाला मैंने चड्डा को। उसका बीपी 200 से ज्यादा हो गया था। डॉली की विदाई में अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती चड्डा के लिए। और तू ना अपनी हरकतें सुधार थोड़ी सी। ओए छोड़ने यार तू डॉली के चैप्टर को, अब तो व्याह भी हो गया उसका। ओए तेरे लिए कहना आसान अंगद धीरे, क्योंकि तेरे को तो मिल गई है ना मीरा, लेकिन मेरा तो कट गया ना। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मम्मी जी, भाई गुरुजी दी मेहर है कि डॉली का रिश्ता हो गया, वरना हमें जिंदगी भर चड्डा भाई साहब के ताने सुनने पड़ते कि इस निकम्मे की वजह से उसकी बेटी 2 साल तक कुंवारी बैठी रही। अरे इससे तो वो लड़का ज्यादा खुश रखेगा हमारी डॉली को। देखा ना मुंडे ने कैसे पकड़ लिया था डॉली को, जब वो स्टेज पे चढ़ रही थी जयमाला के लिए। अरे उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी डॉली से। मुंडा बड़ा जॉली है, मेरे तो हर जोक पे ना ठाके लाके हंस रहा था। और दादू, आपके तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया ना जीजू ने। जीजू? और नहीं तो क्या भाई, अब डॉली के हस्बैंड को जीजू ही तो बोलूंगी ना मैं। आपको चैनल सब्सक्राइब की पड़ी है और मेरी यहाँ दुनिया ही लुट गई है। आप लोग मेरे बाप दादा हो या उस लौंडे के? यार मेरे दिल के जो अरमान आंसू में बह रहे वो नहीं दिखते आप लोगों को? तो रुक, अभी निकालती हूँ तेरे दिल के सारे आंसू। ओ रुक जाओ, मैंने मना करा है, अमृता के पीछे मत छुप, हट परे वहां से, मैं कह रही हूँ। रुक जा, राम रुक जा, अभी निकालती हूँ तेरे डॉली के सब। ओए इसने तो चट्टा के सामने हमारी नाक कटवा देनी थी। छुप क्या है? ओए सब के पीछे छुपना बंद कर, सामने आ, सामने आ। मम्मी तड़प तो आशिक को चप्पल से मारूंगी, बहुत पाप लगे, बहुत। कर जाओ। मम्मी दादा को चप्पल से मारा। सॉरी सॉरी पापा जी, मैं इस... अरे इतना भी सॉरी होने की जरूरत नहीं है निम्मो, जूते चप्पल टमाटर खाने की आदत है इस आदमी को। कौन सा पहली बार खा रहे हैं? चप्पल खाने की आदत है मुझे? तलवार लाओ मेरी, आज मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं तुम्हारी विक्सर से अलग कर दूंगी। तूने मेरी छत छीन ली। अरे तो बोल क्या दादाजी। जी, एक मिनट ना, तुझे बात लड़ लेना, पहले पूछो चप्पल मारा क्यों आपको? पापा क्या आप चुप क्यों? आपकी पत्नी ने आपके पापा पे चप्पल मारी है। ओए बस कर अपनी बकवास, वरना तेरा सर फोड़ देना। अंगद तू ले जा कबीर को। मम्मी जी अपनी ले जा, मम्मी जी आप शांत जाइए मेरे नजरों के सामने से, वरना आज मेरे। अरे आप शांत हो जाइए। तू चल यहां से, तूने बारात की कुर्सी भी उठानी है अभी। मैं नहीं हटा रहा कुर्सियां, बहुत काम कर लिया मैंने। वो ऐसे कैसे नहीं उठाएगा, चल यहां से, काम कर। मम्मी ठीक नहीं किया आपने दादाजी पे चप्पल फेंक के। चप्पल मारूंगी तो चल। मम्मी जी आप शांत हो जाइए। हाँ फूल सारे आ गए भाई, चेस भी रख दियो। ओए चेयर ठीक से गिरियो, और बाद में मत कहना कम है। तू ऊपर बैठे बैठे ना ऑर्डर मत चला, समझा? ये कुर्सी भी वापस करनी है, चल उठ यहाँ से अब। ओए अंगद मेरे रुक जा यार, थोड़ी देर तो बैठ लेने दे इस दुल्हे की कुर्सी पे। वैसे भी इस कुर्सी पे मुझे बैठना था डॉली के साथ। ओए यार कोई और बैठ गया और डॉली भी ले गया। ओ ओ ओ नकली आशिक, ये ड्रामा बंद कर मेरे सामने, पैर हटा और चेयर वापस कर, चल। वैसे तो तेरा भी कट है, मीरा ने भी तो तुझे डिच कर दिया, वो भी तो नहीं आई शादी पे। वेली नहीं है वो तेरी तरह, ऑफिस कॉल में बिजी थी वो। तुम लोग तो बस लगे रहो ऑफिस कॉल मीटिंग पता नहीं क्या क्या, वो मेरी तरह जियो ना, कैसे खुल के जीता हूँ। अबे इसे खुल के जीना नहीं, इसे बेकार का जीना कहते हैं। और तुझे पता है तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मम्मी तुझे भड़कती है। तू क्यों तंग करता है यार उन्हें इतना? ओए उल्टा वो मुझे तंग करती है, पूछ ली मम्मी को जाके। और ये जो चप्पल है पांव में पहनने के लिए खरीदती है या मारने के लिए? तो गुस्सा भी तो तू ही दिलाता है ना। मैं
वो अपना बीपी खुद बढ़ाती है और आजकल तो मेरी हर बात पर भड़क जाती है। तुझे नहीं पता कि मम्मी ऐसा क्यों करती है? भाई के जाने के बाद बहुत बुरी तरीके से टूट गई है वो। सोच कबीर, इतनी सारी जिंदगी, इतनी सारी खुशियां और एक मौत। एक मौत ने हमारी सारी खुशियां बिखेर दी, हमारी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया यार। सिर्फ एक मौत कितनी जिंदगियों को मार देती है ना। चल भाई, और कितना सैड बैठेगा, हम सखूजाज हैं, वो गम में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। मैं रोना उदास रहना हमारे खून में नहीं है। मैं दादाजी को देख, उन्हें गम नहीं है कि भाई के जाने का, पर रोते देखा है कभी? ओए बीजी, वो आज भी वैसे ही सेल्फी स्टिक लेकर अपनी फोटोज लेती रहती है, थोड़ा रोती है लेकिन अकेले में। और भाभी, हमें तो उनसे सीखना चाहिए यार। उनको देख, उन्हें तो भाई के जाने के बाद पता चला ना कि वो प्रेग्नेंट है, वही उन्होंने तो अपने एक एक आंसू को मुस्कुराहट में बदल दिया यार। याद है करण भाई क्या कहते थे, लाइफ में स्माइल नहीं तो जीने में स्टाइल नहीं। चल यार, बियर पिलाकर लेकर आता तुझे। चल ओए अंगद पुत्र, हो गया सारा सामान मैच? जी चड्डा अंकल, सब हो गया। चंगा चड्डा अंकल, आज खुश तो बहुत होगी तुम्हारी। मरे जा रहे थे डॉली की बिदाई होएगी कि नहीं, अब पैगी दिल से ठंड। खबरदार जो अपने जुबान पे डॉली का फिर से नाम लिया तो अब वो किसी और की मिसेज हो गई, समझे? चलो फटाफट हिसाब दिखाओ। मैं नहीं बता रहा हिसाब, ये खुद देख लो। पेमेंट सबको कर दिए, ये 3,000 बचे ये भी रख लो। चल अंगद यार, कहीं चलने का मूड नहीं, घर ही चलते हैं। मुझे कंपनी चाहिए मिस्टर एडू, मेरी डॉली का ब्याह हो गया है। ओए फिर ना लिया डॉली का? शेयर होल्डर तो मैं भी था ना अंकल। तू चुप करना अंकल, जा रहे जा रहे। गड्डी कितनी आ रही है, तू चलना। 7, 8, 9, 10। ओए सुन कबीर, ओए 2,000 कम है। उस शादी में इतना काम करवाया, बियर पीने के लिए तो पैसे छोड़ो। ओ कुत्ते यार, रुको बियर पिएगा तू, मैं आज तेरे को विस्की पिलाना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।